नमस्ते, आज की क्लास है हमारी DSLR कैमरा पे। कैमरा, आप लोगों ने कैमरा शब्द बहुत सुना है और उसका इस्तेमाल भी आप लोगों ने बखूबी किया हुआ है। आप लोगों के पास हर एक के पास मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन पे कैमरा है और सब लोगों ने फोटोग्राफ क्लिक किया। फिर आज हमको ये नया कैमरा या इस कैमरे के बारे में क्या जरूरत पड़ी पड़ने की। ये एक प्रोफेशनल कैमरा है जिसके जिस तरह की आप फील्ड में है, एडवर्टाइजिंग फील्ड या ग्राफिक फील्ड में, उसमें हमें फोटोग्राफी की परफेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आज हम जो है DSLR कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। DSLR कैमरा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा। इस कैमरे के बॉडी पार्ट्स या इस कैमरे में क्या क्या चीज़ें हैं या इनके इन बटन्स को हम ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाएगी। कैमरा का ये जो लेंस है, इसमें कैमरे में 10 बेसिक चीज़ें हैं जो हम SLR कैमरा में पढ़ेंगे और जिसको ऑपरेट करने से आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह बन जाते हैं। जैसे इसके जो फ्रंट व्यू है कैमरे का, यहाँ पर हम लेंस लगाते हैं, ये इसका शटर बटन है। यहाँ पर ये अंदर जो है वो इसका शटर है, यहाँ से लाइट अंदर जाती है और इमेज पर एक एक्सपोज करती है। ये पूरा कैमरा बॉडी है और ये इमेज सेंसर जहाँ पर इमेज रिकॉर्ड होती है। ये इसका बैक एरिया है कैमरे का, यहाँ पर ये व्यू फाइंडर है जहाँ से आप किसी सीन को देखते हैं। ये इसका बटन है, कुछ बटन्स हैं इसके। ये पीछे LCD स्क्रीन है जहाँ पर आप लाइव व्यू इसको देख सकते हैं और या इसका जो आप जो क्लिक करने वाले हैं वो सीन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे पहले इसका लेंस। लेंस एक ऐसी कैमरे के अंदर पार्ट होता है जिससे लाइट जो है इस लेंस के थ्रू यहाँ पर इमेज सेंसर पर जाती है। लेंस कई तरीके होते हैं, आपको जिस तरीके फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं, वाइड अगर व्यू लेना है तो वाइड एंगल लेंस होता है, अगर आपको दूर की चीज़ लेनी है तो टेली एंगल लेंस होता है, एक इसका स्टैंडर्ड लेंस होता है। पावर शॉट कैमरा में लेंस जो है फिक्स होते हैं, DSLR कैमरा में लेंस इंटरचेंजेबल होते हैं। ये व्यू फाइंडर जहाँ से आपको पहले बताया था, ये स्क्रीन पे आप क्लिक करने से पहले व्यू देख सकते हैं। एक व्यू फाइंडर ये भी है जहाँ पर आप देख कर क्लिक कर सकते हैं, ये आपको कैमरा दूर रखकर आपको व्यू दिखाई दे सकता है और यहाँ पर ये आँख के पास या आप अपनी आँख को इस व्यू फाइंडर स्क्रीन पर रख व्यू फाइंडर विंडो पर रखकर क्लिक करते हैं। ये कैमरा बॉडी जहाँ पर ये सारे सारे बटन्स इस कैमरा बॉडी पे होता है, ये बिल्कुल लाइट टाइट होता है। यहाँ पर आप इसका लेंस लगा सकते हैं। ये शटर रिलीज, शटर जो हमको लाइट कितनी देर के लिए भेजनी है ये इसको कंट्रोल करता है। ये 1 सेकंड के फ्रैक्शंस के लिए ओपन होता है और लाइट जो है इमेज सेंसर या फिल्म पर जाती है। यहाँ पर इसके सारे ये शटर नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर B है 1, 2, 4, 8, 50, ये 1 सेकंड के फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर 1 है इसका मतलब है कि लाइट जो है वो 1 सेकंड के लिए जाएगी, 2 है वो 1/2 आधे मिनट के लिए जाएगी, 4 1/4 इसका मतलब है 1/4 सेकंड के लिए जाएगी। यहाँ पर जैसे 500, 1000, 2000, 4000, ये सब 1 सेकंड के फ्रैक्शंस हैं, मतलब 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, इट मीन्स कि ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से या 2000वें हिस्से के लिए लाइट जाती है।
यहाँ पर जो ये शटर 60 से लेके आपका ये 1 तक है, ये सारे आपके स्लो शटर्स होते हैं, मतलब कि शटर को ज्यादा देर तक के लिए हम खोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो शटर नंबर है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं शटर की स्पीड फास्ट हो जाती है, मतलब शटर बहुत तेजी से बंद हो जाता है। तो शटर जो है ये टाइम की ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है, और ये जो बटन है ये शटर को मतलब रिलीज या ओपन करने का बटन होता है, इसको हम शटर रिलीज बटन कहते हैं। यहाँ पर ये अपर्चर, ये सब ये भी कैमरा के अंदर बहुत अहम हिस्सा होता है। ये अपर्चर कुछ ब्लेड्स का बना हुआ एक डायफ्राम होता है, सर्कल होता है, जो कि लेंस के अंदर होता है, और ये बहुत सारे कुछ ब्लेड्स से बना हुआ होता है। जितनी ज़्यादा ब्लेड्स इसमें यूज होती हैं उतना ये परफेक्शन होता है, और कैमरे की कीमत या लेंस की कीमत बढ़ जाती है। अपर्चर भी लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि लाइट को हम कितनी मात्रा में चाहिए, या कोई परफेक्शन के लिए जो है फोटोग्राफ बहुत अच्छा है, कितनी मात्रा में हमें लाइट को कंट्रोल करता है या इमेज सेंटर तक ये भेजता है। अगर आप इसमें इसके हम जो है छेद इसको हम घुमा सकते हैं, घुमाने पर ये छेद जो है छोटा हो जाएगा, यानी कि लाइट की क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि जब आप बहुत तेज लाइट हो तो हम थोड़ी देर के लिए या थोड़ी मात्रा में लाइट जाती है। एक्चुअली अपर्चर जो है वो ह्यूमन आई की तरह काम करता है। जब आप देखते हैं कि बहुत अंधेरा होता है तो हम थोड़ी सी आंखें खोल लेते हैं, है ना, और बहुत तेज लाइट होती है जब हम सनलाइट में आते हैं तो हम आंखों को अपना बंद कर लेते हैं। तो अपर्चर बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। जब आपके पास लाइट कम है सराउंडिंग में तो हम इसका ओपनिंग ज़्यादा कर लेते हैं, और लाइट अगर आपके पास बहुत तेज है तो हम इसकी ओपनिंग बंद कर लेते हैं। अपर्चर जो है ओपनिंग और उसको बंद करना या खोलना कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में अपर्चर के, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं वो हम थोड़े नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हर नंबर पर अपर्चर जो है दुगना खुलता है और दुगना बंद होता है। फिर आपका आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेज सेंसर। यहाँ पर आपकी इमेज जो है जो आपने देखा देख रहे हैं या आप उसको क्लिक करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पर सेंसर पे होता है। सेंसर पे ही लाइट जो है जाती है और वो इमेज को छोटे छोटे कैपेसिटर्स के साथ एक डॉट्स में इमेज को रिकॉर्ड करती है। सेंसर दो तरह के होते हैं, CMOS और CCD। पहले जो है CCD होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होती गई। अब जो बैटरी सेंसर्स आते हैं वो CMOS आते हैं। इसके बाद जो है आपका आता है मेमोरी कार्ड। सेंसर पे इमेज रिकॉर्ड हो गई, लेकिन वो स्टोर कब होगा? मेमोरी कार्ड पे। अब मेमोरी कार्ड जो है कई की मेमोरी कार्ड की जो कैपेसिटी बहुत सारी होती है, 8 GB होती है, 16 GB होती है, 1 GB होती है, आजकल तो TV पे भी आने लगा। ये मतलब जो भी आप क्लिक कर रहे हैं उसको ये रिकॉर्ड करता है। इस मेमोरी कार्ड को आप कैमरे से निकाल कर आप कंप्यूटर पर लगाकर या उसमें कहीं पे परमानेंट आप स्टोर कर सकते हैं। इस मेमोरी कार्ड जो है CF होता है, SD कार्ड्स होते हैं, कि कई तरह के होते हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड के बाद आपका इतना है LCD स्क्रीन। जो हमने पहले आपको बताया था कि व्यू फाइंडर स्क्रीन पर जो आप देखते हैं, जो इमेज आप क्लिक कर रहे हैं और अगर व्यू फाइंडर विंडो पे नहीं देख रहे हैं तो आपको LCD स्क्रीन पर दिखाई देता है। या ये LCD स्क्रीन है जो कि आपकी इमेज को लाइव देखने के लिए काम आता है। ये फ्लैश जो है कैमरे में एक बहुत ज़रूरी है, कि बहुत कई बार बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, प्रॉपर लाइट नहीं होती है, और ये है कि DSLR के लिए हमें लाइट ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो कुछ फ्लैश तो जो है कैमरे में इंटरनल फ्लैश होती है जो कैमरा बॉडी के साथ अटैच होती है, जब जरूरत होती है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। कुछ फ्लैश जो है आप एक्स्ट्रा कैमरे के ऊपर अटैच कर सकते हो, ये मूवेबल है और ये इसमें फिक्स होती है। तो आपके ये ज़्यादा पावरफुल है, ये थोड़ी कम पावरफुल होती है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हम इसमें फ्लैश आर्टिफिशियल लाइट है जो हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़र कंट्रोल मतलब आपको यहाँ पर ये है कि बहुत सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आप इसमें कर सकते हैं, जैसे अपर्चर क्या सेटिंग करनी है, शटर क्या करनी है, वाइट बैलेंस क्या करना है, आपको पिक्चर मोड कैसे रखनी है, रॉ इमेज करनी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको होते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ, अलग अलग कंडीशंस के साथ, तो वो आप यहाँ पर हम सेट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम पिक्चर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब जो हम देख रहे हैं, ये देखिए ये DSLR के फोटोग्राफ्स हैं। अब आपको लग रहेगा कि फ़ोन के फोटोग्राफ्स और DSLR के फोटोग्राफ्स में कितना अंतर है। यहाँ पर ये देखिए केवल आपने जो क्लिक लेना चाहा है वो ही है और ये सारा आपका जो है आउट ऑफ फोकस हो रहा है, ये बर्ड आपको अलग से अलग दिखाई दे रही है इसका सराउंडिंग। लेकिन फ़ोन पे ऐसा नहीं होता, फ़ोन पे आपके जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा सा होता है और सराउंडिंग बहुत सारी आ जाती है, उसको आप इस तरीके से क्लिक नहीं कर सकते। ये देखिए फ्लावर की कितनी खूबसूरत फोटोग्राफ है, ये कैमरे का खुद पे फोटोग्राफ है, ये सराउंडिंग देखिए आप इसको, ये लैंडस्केप है, ये फ्लावर है। तो DSLR का फोटोग्राफ लेने का मकसद यही होता है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स ले सकते हैं जिसका आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।